How's this? Nice. ज़्यादा भड़कीला तो नहीं है? In fact, I want it catchy, not भड़कीला. Okay. It should be nice and bright and entertaining. It should be inviting. Yes? माही, आपको मैं कुछ दिखाना था. एक मिनट जरा बाहर आएंगे प्लीज. मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ. आई विल कम लेटर. थोड़ा सा अर्जेंट है प्लीज. इट्स ओके माही, गो. आई विल बी राइट बैक. आई क्या जोया? कुछ नहीं, हम झूठ कह रहे थे आपसे कि हमें कुछ दिखाना है आपको. हम आपको उस आदित्य हुडा के चंगुल से बचा रहे हैं भाई. चंगुल? क्या बोल रही हो तुम? वो कोई विलन थोड़ी है. आई हम कह रहे हैं आपसे, उनके दिमाग में ना कोई प्लान चल रहा है. हमने उनकी आंखों में देखा है माही. देखिए आप प्लीज उनसे दूर रहिए, इसी में आपकी भलाई है. सोया, थोड़ी देर हो गई है लगता है. अब उससे दूर रहूं भी तो कैसे? उसकी आंखों में जो तुमने देखा है ना, वो मैंने भी देखा है. मेरी तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया है आदिका. कोई है जो मुझे पसंद करता है, जिसे मैं अच्छी लगती हूँ, जिसकी लाइफ में मैं मैटर करती हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ. माही, आपने सुना हमने क्या कहा? हाँ सोया, सुन रही हूँ. तुम बिना मतलब में डर रही हो. अरे हम तो बस लोगों के डिजाइन्स डिसाइड कर रहे थे, दैट्स इट. माही, क्या आप आदित्य हुडा को अब तक जान नहीं पाई है? आपको लगता है कि उनको कंपनी में इतनी दिलचस्पी है कि वो आपके साथ बैठकर कंपनी के लोगों से डिस्कस करें? माही, माही इतना वक्त लगा रही हो तुम. वो मैं सोच रहा था कि फोटो शूट के लिए ना कुछ नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे. एंड तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, इतनी स्टाइलिश हो तुम, तो मैं सोच रहा था व्हाई डोंट यू हेल्प मी शॉप. मी स्टाइलिश? कोर्स यू आर सो स्टाइलिश. वैसे मैं एक डिजाइनर को जानता हूँ, फ्रेंड है मेरा, उसके घर चलते हैं, ट्राई भी कर लेंगे, चूज भी कर लेंगे. तो प्राइवेट होगा, जल्दी काम हो जाएगा. व्हाट्स इट? ग्रेट आइडिया आदि आदित्य. हमारे बीच में कैसी फॉर्मेलिटी? यू कैन कॉल मी आदि. आदि चलें? चल. नहीं रुक, ऐसे किसी के घर जाने की क्या क्या जरूरत है? आप लोग डिजाइनर के स्टूडियो भी तो जा सकते हैं ना. माही, ऐसे किसी के घर जाना ठीक नहीं है. लेकिन माही, स्टूडियो में ना बहुत लोग होंगे, हम लोग उसके घर चलते हैं. सबसे अच्छी बात, वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम होगी, सिर्फ मैं होऊंगा, एंड या ऑफ कोर्स डिजाइनर भी होगा. सो चलें? थप से बोल रहे हो, चले चले, अब चले. ये माही तो बसते जा रही है. सुनिए, अब माही को ऐसे पर्सनल काम के लिए बाहर नहीं लेकर जा सकते हैं. उनको मोना के साथ बैठकर पीआर स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है ना माही? हम उनकी जगह हम चलते हैं आपके साथ. यार तुम एक बार का डिसाइड कर लो, तुम्हें करना क्या है? कभी तुम कहती हो कि दूर रहो मुझसे, कभी कहती हो हम साथ में चलते हैं. तुम डिसाइड कर लो, तुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या डिफेंस लॉयर हो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती. जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं माही के साथ शॉपिंग जाऊंगा, तो मैं माही के साथ शॉपिंग जाऊंगा, एंड दैट इज फाइनल, राइट माही? या चले माही? चल, वन लास्ट टाइम, चलो. थैंक यू. अरे सोया पीछे नहीं आ रही? आदि, बार बार बोलते हो चलो चलो चलो, फिर आगे जाके रुक क्यों जाते हो?
वो रेडी। अब मैंने जोया की सही वीकनेस आई मीन माही को पकड़ा है। आई नो जोया, तुम हमारे पीछे जरूर आओगी। सी यू सून। वाओ, कितना अमेजिंग ऑफिस है रेडियो सिटी का। बस अब जल्दी से आरजे एजे से मिल लें तो हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। अल्लाह मियां। जी सुनिए, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। ओके, प्लीज टेक अ सीट। शुक्रिया। हाँ एजे, क्या? देख, मेरे पास सिर्फ एक घंटा है, उसके बाद मुझे निकलना पड़ेगा। नहीं पहुंचाना ऑफिस तो डैड की जासूसी शुरू हो जाएगी। वो बहुत समझदार है, वो पहुंच जाएंगे। अरे यार, ये इंटरनल तेरे लिए तो रख रहे हैं, तुझे होना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, एक ही कैंडिडेट है, मिल ले जल्दी से। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तू जा, मैं कॉफी लेके आता हूं। ठीक है। देखिए, हमें आपसे साफ साफ बात करनी है। हमें घुमा फिरा कर बात करना आता नहीं। कि कल से आपका चल क्या रहा है? आप क्यों माही के सामने दिखावा कर रहे हैं कि आपके मन में उनके लिए कुछ है? आपकी दुश्मनी हमसे है ना, तो फिर आप उन्हें बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम दिन में सपने देखने लगी हो क्या? माही सिर्फ मेरी कॉलीग है और मैं उसे एक अच्छी कॉलीग की तरह ट्रीट कर रहा हूं, दैट्स इट। अच्छा, हमने देखा है कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। आपके अंदर इतना सरकाज़म भरा हुआ है ना कि आप अच्छा बिहेव भी करना चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। पर हमें बताइए कि क्यों क्यों आप माही के पीछे पड़े हुए, क्यों उनके आगे पीछे करते रहते हैं आप बार बार? तुम्हें क्यों इतनी चिढ़ मच रही है? हमें कोई चिढ़ भेड़ नहीं मच रही है। आपको आपके बचपने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप माही को उकसा रहे हैं और हम उनका दिल टूटते हुए नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्लीज, हमारी दरख्वास्त है आपसे, प्लीज माही से दूर रहिए। फिर से चालू हो गया तुम्हारा। तुम फिर से कंफ्यूज कर रही हो मुझे। कभी ये बोलती हो, कभी वो बोलती हो, कभी कहती हो मुझसे दूर रहो, मुझे बख्श दो। मेरे गले पड़ के कह रही हो कि माही से दूर रहो। मेरे शर्ट की बटन वटन लगा रही हो, क्या हुआ? क्या है, जेलस वेलस होने लगी हो क्या? मुझे भी बख्श दो। कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? अब जब आपको हमें टॉर्चर ही करना है तो हमें बचाते क्यों हैं आप? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं तुम्हें बचा रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं खुद को बचा रहा था। जब तकदीर ने उस हादसे से हम दोनों की जिंदगियों को बर्बाद किया है, हम दोनों के चेहरे पे तमाचा मारा है, तो मैं अकेला क्यों सफर करूं? सर, ये बताइए ये क्या है? आप लोगों ने 1 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है। 1 करोड़? पैसा समय पर ना देने की वजह से आप लोगों का ऑफिस सील किया जाता है। मिस्टर यश अरोड़ा ने हमारे बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया था, आप लोगों को नहीं पता?
अरे आदि सर, एक करोड़ का लोन। यश ने इतना बड़ा लोन लिया था? आपकी कंपनी के अगेंस्ट लिया था, इसीलिए आप लोगों को लीगल नोटिस आया है। या तो आप पैसा लौटाइए या हम आपके ऑफिस को सील कर देंगे। अरे लूजर पति ने मार्केट से कितना पैसा उठाया था? मुझसे 5 करोड़, बैंक से 1 करोड़, कर क्या रहा था इतने पैसों का? कंपनी तो वहीं की वहीं है। साला चीटर, सिर्फ तुम्हें नहीं सबको धोखा दे रहा था। क्या करता था? जिससे मिलता था उधार मांग लेता था, वो लोन पे लोन लिए जा रहा था और तुम्हें पता तक नहीं। कर क्या रहा था इतने पैसों का? शहजादी जोया के लिए ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने। देखो माँ और माही वहां किराए के घर में रहते हैं और मैं हर हफ्ते मुंबई, मसूरी, मुंबई। बहुत मुश्किल हो रहा है सोया, ऐसा लग रहा है कि फिस गया हूं कहीं। और तुम्हें पता है उनके घर का लीज भी खत्म हो गई है, या तो उनके घर का लीज अग्रीमेंट रिन्यू कराना होगा या फिर उनको किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप उनके लिए वो घर खरीद क्यों नहीं देते? सोया मुंबई में घर खरीदना इतना आसान नहीं है, मसूरी से कहीं ज्यादा रेट है वहां पे। समझ में नहीं आ रहा है करूं तो अगर क्या करूं। तुम वहां रह नहीं सकती और माँ और माही मसूरी शिफ्ट होना चाहते नहीं है। ऊपर से लैंडलॉर्ड ने रेट भी बढ़ा दिया उस घर के। तभी तो हम कह रहे हैं आपसे यश, वो घर उनके लिए खरीद दीजिए ना, उनको भी तकलीफ नहीं होगी और आपको भी जहमत नहीं होगी। बार बार घर देखो, रेंट दो, शिफ्ट करो। यश, पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। देखिए जब हम मर जाएंगे तो क्या पैसा जन्नत लेकर जाएंगे? यश, पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए होता। तभी हम कह रहे हैं आपसे, वो घर उनके लिए खरीद दीजिए ना, सबके लिए बेहतर होगा। जोया, व्हाट आर यू सेइंग? मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। जोया तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो समझाइए ना यश, हमें आखिर मुद्दा क्या है? जोया तुम सही बोल रही हो, मैं माँ और माही के लिए मुंबई में घर खरीद लेता हूँ। ऐसे आप हमेशा हमारी बात सुना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।